हुआ है कभी ऐसा? हुआ है आप लोगों के साथ? भाई 2 दिन पहले 3 दिन पहले मेरा एक इवेंट था जिसका क्लाइंट मुझे मुसलसल फ़ोन करता था कि भाई 11 तारीख याद है, 11 तारीख याद है, 11 तारीख याद है, 11 तारीख याद है। और मैं बोलता था भाई याद है यार, याद है, याद है, याद है, याद है, याद है, याद है। 10-12 दफ़ा फ़ोन हो जाते हैं। अब 11 तारीख का दिन आता है तो हमारे पास कुछ आ जाते हैं 25 से 30 फ़ोन। सही है, 25 से 30 फ़ोन। वहाँ मुझे अंदाज़ा होता है कि भाई ये जो क्लाइंट होगा ना ये कराएगा दबा के काम। सही है, तो हम टेंशन में हड़बड़ा जाते हैं क्योंकि ये हमारे साथ पहली दफ़ा हुआ है, ऐसा हमारे साथ कभी हुआ नहीं है क्योंकि ऐसा क्लाइंट हमें टकराया नहीं है। तो इवेंट होता है हमारा हुरैन बैंक्वेट में। हुरैन बैंक्वेट आपको पता है कि कहाँ है, घर के बिल्कुल करीब है हमारे, ज़्यादा दूर नहीं है। तो हम जाते हैं, सही है, हम तकरीबन, हमें 6 बजे का टाइम देता है क्लाइंट के भाई 6 बजे आप पहुँच जाना। हम पहुँच जाते हैं पागलों की तरह पहले ही 6 बजे। ठीक है, हम पहुँच जाते हैं, फिर हमारे वीडियो वाले आते हैं, फिर उसके बाद हमारा जो दूसरा फोटोग्राफर है वो आता है, पर वो लोग नहीं आता। वो लोग तकरीबन आते हैं 6:30 बजे। सही है, हम काम स्टार्ट करते हैं, करते रहते काम। ठीक है, कुछ 1 घंटा हो जाता है, सेशन हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर एक बंदे को वहाँ बुलाते, और सबसे बड़ी बात भाई ये है कि वहाँ एक बंदे की इंगेजमेंट नहीं, दो भाइयों की इंगेजमेंट एक साथ हो रही थी। ठीक है, और थे वो पांजे वारा भावा उभा, मतलब वो मेरे वाले थे, मेरी कम्युनिटी के थे। ठीक है, लेकिन उनकी कम्युनिटी कुछ और थी और मेरी कम्युनिटी कुछ और है। ठीक है, और काम स्टार्ट करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह काम हो जाता है, 1 घंटा 2 घंटा निकल जाता है। ठीक है, उसके बाद उनके अब्बा आते हैं। ओ माय गॉड, अब्बा बहुत अच्छे हैं, लेकिन भाई बच्चों की जो इंगेजमेंट है उसकी टेंशन की वजह से भाई उन्होंने तो डायरेक्टली, मैंने जा के पहले बोल दिया कि भाई आप स्टेज एक ही लगवाइएगा, दो नहीं लगवाइएगा, बड़े इश्यूज हो जाएंगे। वो जाके, मैंने उनको बोला आप वीडियो वाले से बात कर लें, वो जैसे अंदर है मैंने बोला आप वीडियो वाले से बात कर लें, वो आपको समझा देंगे। ठीक है, वो फ़ौरन गए वीडियो वाले पे चढ़ गए भाई। मैंने बोला अंकल ये क्या हरकत है, वो मेरे घर का थोड़ी है, वो तो सुना देगा आपको फालतू में। ठीक है, फिर हमने काम वाम स्टार्ट करा, सब कुछ हुआ, वो स्टेज भी दो लगवाए। अब सारी जो मेरी जिससे बात हो रही है वो अंकल हैं, ठीक है, वही हर चीज़ बता रहे हैं। अब एंट्री होती है एक और इंसान की, वो अंकल के बड़े भाई। मैंने कहा यार चलें ठीक है, इनसे भी बात कर लेते हैं। अब ये कब हुआ, ये हुआ तब जब एंट्री की बात चल रही थी कि एंट्री ऐसे होगी आप 9:45 बजे कराएं। ठीक है, मैंने कहा सर सही है 9:45 बजे करा देंगे, आप बस जल्दी जल्दी करा दीजिएगा। तो मेरे मुंह से निकल गया चलें ठीक है, मैं 5 मिनट में आपको करके दे दूंगा। उनमें अंकल की हट गई, अंकल मुझे बोलने लगे किस तरीके से बात कर रहे हो तुम। तो वो मेमनी में अंकल को बोलने नार तो ही केड़े से गाल करी रहे हो यार, मुझसे ये कोई तरीको है गाल करन जो, क्या वहीं के चोस खाली एंट्री कराई दीजिए तो ये चो के 5 मिनट में थी भी नहीं, कोई घाल थी करन जी। फिर मेरा दिमाग सटका, मैंने अंकल को बोला अंकल मिक्के भी अच्छे थी मीमड़ी आए जो बोली रहे हो ना मेरे बदे समझ में अची रही है। ठीक है, आए जो जो चुई रहे हो ना मेरे बदे समझ में अचे, तो ठीक है आओ खाली ही चुड़ी ने मिंजी आओ इनसे माफ़ी मंगा, तो 5 मिनट में ना पर 2 मिनट में करना इंशाल्लाह कोई इनमें ऊन है। तो एंट्री हो जाती है दोनों लोगों की और हम तकरीबन 6 बजे से गए हुए जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, उसके बाद स्टेज की फोटोग्राफी स्टार्ट होती है। मेरा कैमरा थोड़ा सा पड़ा था ऐसे ही क्योंकि खाना वाना लग गया था, तो मैंने थोड़ा खाना खा लिया, मेरे लड़कों ने खाना ने एक दो लड़कों ने और खाना खा लिया। फिर उसके बाद जो वीडियो वाला था, वीडियो वाले को भी हमने बिठा दिया खाने पे। लेकिन 11 बज गए, 10 बज गए, लाइट्स ऑफ हुई लेकिन स्टेज से कोई नहीं खड़ा हो रहा। 350 लोगों का इवेंट था, वही 350 लोग खाने के बाद भी बैठे हुए थे। ये मेरी कम्युनिटी है भाई, इमिनजी कम्युनिटी है, एड़ो थे तो सही है। लेकिन मैं हंसता रहा, मैंने कहा यार ये क्या सीन है, अब ये तो बड़ा आउट हो जाएगा। तो ये 10 से खींच दिया इन्होंने 11 बजे तक, 11 बजे से खींच दिया इन्होंने 11:30 तक, 11:30 से खींच दिया 12:45 तक। तो ये बड़ा कोई मसला हो रहा था हम लोगों के लिए। फिर उसके बाद अंकल ने,
मैंने दूसरे लड़कों को भेज दिया। मैंने कहा अंकल देखें, ऐसा होता है कि ये लोग एक्स्ट्रा चार्जेस करते हैं, ठीक है, अगर आप ज़्यादा इवेंट करते हो तो, ठीक है। अब मसला ये हुआ उस वक्त कि मैंने उनको बोला कि आप लोग चले जाएं, ठीक है, मैं यहाँ देख लूँगा। मेरे सारे लड़कों को मैंने भेज दिया, मैं अकेला रहा वहाँ पे। और अंकल ने बोला बस बो शॉर्ट इन भा तू करीगिन, तो जो एहसान उन्होंने मुझे मत ने, दो शॉट की जगह अंकल ने खींचवा दिए 15 से 20 शॉट। उसके बाद मैं पैक करके बैठा हुआ, फिर आंटी आई, बेटा अकड़ो शॉट रही हुआ है, तू प्लीज ये भी गिनी गिन ये टिविन वो टिविन। अरे हाँ, मैंने कहा यार ये क्या है यार। मैं फौरन फौरन मैंने माँ से बाइक कराई और मैं निकल गया। तो भाई बताएं आपके साथ ऐसा कभी हुआ है? आइए साथ कटे एड़ो थ्यू है कटे। मेरे साथ हुआ है ऐसा। अगर ऐसा आप लोगों के साथ हुआ है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। इस ब्लॉग में मैं यही बात करूंगा क्योंकि ये बात मुझे करनी थी, ठीक है, और अगले ब्लॉग में इंशाल्लाह कोई और बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।